बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? आज हम डिस्कस करेंगे एल्डरली प्राइमरी गैप का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना है। इसकी दो कैटेगरीज हैं, वन बाय वन उनको देखना है। देन कॉम्प्लिकेशंस इसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड ड्यूरिंग प्यूपीरियम, यानी जो छीले का जो पीरियड होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, 40 डेज का जो पीरियड होता है प्यूपीरियम का, उसमें इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। देन इसको मैनेज किस तरह करना है एक मिड वाइफ ने, एक नर्स ने। ओके, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एल्डरली प्राइमरी गैप का, द वुमेंस हैविंग देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी, द वुमेन having their first pregnancy at or above the age of 30 years, at or above the age of 30 years। 30 को ज़रा बोल्ड करके लिखें ताकि जो है चेकर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। ओके, आर कॉल्ड एल्डरली प्राइमरी गैप डाउन, आर कॉल्ड एल्डरली प्राइमरी गैप डाउन। ओके, एल्डरली प्राइमरी गैप डाउन, स्टूडेंट प्राइमरी कहते हैं पहला बच्चा हो रहा, ठीक है, ऐसी औरत जो कि 30 साल की है या 30 साल से ज़्यादा उसकी एज है, ठीक है, और उसको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है, तो उसको हम बोलेंगे कि एल्डरली प्राइमरी गैप डाउन औरत, ठीक है। द वुमेंस हैविंग देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी एट और अबव द एज ऑफ 30 ईयर्स आर कॉल्ड एल्डरली प्राइमरी गैप डाउन। ओके, क्लियर। देन हम इसकी कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं। इसको स्टूडेंट टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आ जाता है हाई फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी, ओके, और दूसरा है स्टूडेंट हमारे पास लो फर्टिलिटी। ओके, अब हम स्टूडेंट समझ लेते हैं कि हाई फर्टिलिटी किसको बोलते हैं, लो फर्टिलिटी किसको बोलते हैं। अ वुमन मैरिड लेट बट कंसीव सून आफ्टर मैरिज, वो कहलाती है हाई फर्टिलिटी। मींस एक औरत है जिसकी जो शादी है वो लेट हुई है, ठीक है, वुमन मैरिड लेट बट कंसीव सून आफ्टर मैरिज, बट कंसीव सून, बहुत जल्द उसने जो है वो कंसीव कर लिया है, प्रेगनेंसी हो गई है आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद, तो वो कहलाएगी हाई फर्टिलिटी, ठीक है। वुमेंस मैरिड लेट बट कंसीव सून आफ्टर मैरिड, और लो फर्टिलिटी का मतलब है अ वुमेंस मैरिड अर्ली, ठीक है, एक औरत है जिसकी शादी जल्दी हुई है बट कंसीव लॉन्ग आफ्टर मैरिड, ठीक है, अ वुमेन मैरिड अर्ली बट कंसीव लॉन्ग आफ्टर मैरिज। समझ आ गई है, इन दोनों का ये कॉन्सेप्ट है, हाई फर्टिलिटी एंड लो फर्टिलिटी जो है इसको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। देन स्टूडेंट हम इसकी कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन मस्ट इसमें आएंगे। एल्डरली प्राइमरी गैप डाउन है, औरत को बहुत लेट प्रेगनेंसी हुई है, उसकी एज भी ज़्यादा हो गई है, तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेशन तो मस्ट आएंगी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेशन होंगी, ड्यूरिंग लेबर भी होंगी जब डिलीवरी का टाइम होगा, और ड्यूरिंग प्यूपीरियम भी होगी, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन। ओके, कॉम्प्लिकेशंस हमने स्टूडेंट देखनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके बाद हमने देखनी है ड्यूरिंग लेबर, और तीसरा हमने देखनी है ड्यूरिंग प्यूपीरियम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें आ जाता है स्टूडेंट अबॉर्शन, ठीक है, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है प्रीक्लैम्पशिया, प्रीक्लैम्पशिया के ऊपर पूरा मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। प्रीक्लैम्पशिया में सिंपल आपको बता देती हूँ, इस प्रीक्लैम्पशिया में पेशेंट का जो है बीपी बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन। इसके अलावा स्टूडेंट अप्रोप्शो प्लेसेंटा हो सकता है, अप्रोप्शो प्लेसेंटा मींस के जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस की जो वाल है मायो एंडोमेट्रियम उसके साथ अच्छे से अटैच नहीं होता, सेपरेट होने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड, इसमें पोस्ट में चोटी आ जाती है,
बेबी में पोस्ट मेच्योरिटी, इसके अलावा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसके अलावा IUGR, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, मीन्स बेबी की जो ठीक से ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, बेबी की ग्रोथ रुक जाएगी ड्यूरिंग लेबर। कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ड्यूरिंग लेबर? लेबर के दौरान प्री मेच्योर लेबर, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है प्री मेच्योर लेबर। इसके अलावा स्टूडेंट प्रोलोंग लेबर हो सकती है, प्रोलोंग क्योंकि प्राइमरी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम बेबी को डिलीवर करना है उसने, तो प्रोलोंग भी हो सकती है। मल्टीपारा में जो है वो कम टाइम लगता है, लेबर में ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इसके अलावा मेटर्नल एंड फीटल डिस्ट्रेस, माँ और बच्चा दोनों ही जो है वो डिस्ट्रेस हो सकते हैं, उन दोनों की जान को खतरा हो सकता है, मेटर्नल एंड फीटल डिस्ट्रेस। ओके, इसके अलावा रिटेन प्लेसेंटा, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर में रिटेन प्लेसेंटा होने के भी चांसेस होते हैं, यानी रिटेन प्लेसेंटा का मतलब है ये नहीं कि प्लेसेंटा अंदर ही रह गया है, प्लेसेंटा जो है वो उसको रिमूव करने में, उसको सेपरेट करने में 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिटेन प्लेसेंटा, रिटेन प्लेसेंटा। ओके, देन प्यूपीलियम में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उनको देख लेते हैं ड्यूरिंग प्यूपीलियम। प्यूपीलियम में स्टूडेंट फीलिंग लैक्टेशन, फीलिंग लैक्टेशन यानी उसका जो मिल्क है उसकी जो है ना सही से प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी, सही से वो प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, फीलिंग लैक्टेशन प्यूपीलियम में प्रॉब्लम हो सकता है। अब स्टूडेंट जो मेन हमारा काम है वो है मैनेज, किस तरह इसको करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट। मैनेज किस तरह करना है, द पेशेंट इज कंसीडर्ड एज हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये जो पेशेंट है ये क्या कहलाएगा, हाई रिस्क, ये आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आया है, ठीक हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट इसको बहुत ज़्यादा सुपरवीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, सुपरवीजन की, बहुत ज़्यादा सुपरवीजन की ज़रूरत है, सुपरवीजन इज नीडेड। द लेबर इज़ यूजली लॉन्गर इन एल्डरी प्राइमरी ग्रेविडा दैन इन मल्टीपारा, ये तो हमें पता है कि जो एल्डरी प्राइमरी ग्रेविडा है वो ज़्यादा टाइम लेगी दैन इन मल्टीपारा। मल्टीपारा में बेबी जो है तीन से चार या पाँच से ज़्यादा होते हैं, तो वो जो है डिलीवरी में कम टाइम लेता है, ईजी केस होते हैं, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट जो है पोस्टीरियर पोजिशन ऑफ द ओसीपिट जो है वो कॉमन होती हैं, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन होता है, और इसको हमने जो है वो अच्छे से मैनेज करना है। सबसे पहली बात है कि ये हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी चाहिए, देयर शुड बी अ हॉस्पिटल डिलीवरी, देयर शुड बी अ हॉस्पिटल, ठीक है। घर में कभी भी इसका या छोटे मोटे क्लिनिक में इसका रिस्क नहीं लेना, इसको हॉस्पिटल में रेफर करना, उसमें वहाँ पे अच्छी मशीनरीज होती हैं, अच्छा जो है वो केयर टेक बेबी को मिलता है, मदर को मिलता है, सो हॉस्पिटल में आपने रेफर करना है, ठीक है। इफ द इंडक्शन इज अनसेटिस्फैक्ट्री, हो सकता है कि जो एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा है उसकी इंडक्शन ही नहीं हो रही है, यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, सर्विक्स डायलेट नहीं हो रही, देन सिजेरियन सेक्शन की तरफ मूव ऑन करना है। छोटे से क्लिनिक में या घर में सिजेरियन सेक्शन जो है वो नहीं आप कर पाएंगे, ठीक है, ना ही कोई MBBS डॉक्टर अवेलेबल होगा, ठीक है। सो आपने पहले से जो है वो हॉस्पिटल में इसको पेशेंट को एडमिट करना है, और इंडक्शन जो है अगर अनसेटिस्फैक्ट्री है, If induction is unsatisfactory, then student cesarean section करने हैं, cesarean section is done। ओके, आ गया। इसके अलावा सोनोग्राफी हमने करवानी है पेशेंट की, टू डिटेक्ट द बोनी माल फॉर्मेशन ऑफ द फीटस। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, सोनोग्राफी जो है इसलिए करवानी है कि हमने जो फीटस है उसकी बोनी बोन को डिटेक्ट करना है, उसमें कोई माल फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सही से पेन ले सकती है औरत या नहीं ले सकती, बियर कर सकती है, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये सोनोग्राफी ठीक नहीं आई, तो LSCS, ओके, यही इसका बेहतर हल है, सोनोग्राफी इज डन टू डिटेक्ट बोनी मालफॉर्मेशन, कोई बच्चा पैदाइशी तौर पे कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, मालफॉर्मेशन ऑफ फीटस देखनी है हमने। इसके अलावा स्टूडेंट हमने एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस को भी चेकआउट करना है, ठीक है, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें देखना है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।